तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपर्स का क्या सीन रहा इस बार। हमें फैक्ट उन्होंने बताया कि ओवरऑल 5% परसेंटेज में इंक्रीज आया है। दिव्यांशी जैन ने इस बार सीबीएसई में किया है टॉप। टॉप करने के लिए उसने 100% नंबर लिए। और अभी भी दिन की शुरुआत भी थी और दिन की शुरुआत में हमें लगा एक बहुत बड़ा झटका भाई। ऐसा और जो लास्ट के 3 महीने हो तो 1 महीने की तरह निकलते हैं बस। भाई पता नहीं अपन कैसे आ गए इतने सारे मार्क्स। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडिडोज में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई रिजल्ट, जो कुछ उसके से रिलेटेड फैक्ट्स, टॉपर कौन रहा सीबीएसई रिजल्ट्स का और क्या स्टूडेंट्स का सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड हमारा वो रहा, रिएक्शन क्या रहा सभी सीबीएसई का जो रिजल्ट आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई का जो रिजल्ट आया थोड़े एडवर्स सर्कमस्टांसिस के अंदर आया, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैसे साइट क्रैश हो गई थी, क्या कुछ सारा कुछ हुआ था, वो मैं आपको इस आने वाली वीडियो में आगे सारा कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें, जो हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता कैसे चला कि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो cbse.nic.in साइट ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे सबसे पहले ये हमारे पास पोस्ट डाली कि बोर्ड मार्क्स आर आउट। उसके तुरंत बाद ही हमें देखने को मिलता है कि सीबीएसई की जो सेकंड इंस्टाग्राम अकाउंट है उसने भी अपनी स्टोरी डाली दी थी, जिसके अंदर हमें बताया कि कैसे सीबीएसई ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। उसके बाद जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके हमें बताया कि कैसे उन्होंने सीबीएसई का 12th का रिजल्ट है सीबीएसई साइट पर निकाल दिया है, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी स्टूडेंट्स को, सभी उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कि उनका रिजल्ट जैसा आया है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, तो प्लीज बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो इतना ही था, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि सीबीएसई ने जो जैसे रिजल्ट निकाला तो उसके न्यूज सेशन में क्या बात हुई। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर बार से सीबीएसई का रिजल्ट इस बार 5% अच्छा आया है। 5% अच्छा आने का मतलब है यहाँ पे कि 5% इंक्रीज हुआ है एवरेज रिजल्ट में पिछले सालों से। मैं एक बार आपको शुरू से आर्टिकल पढ़ के दिखा रहा हूँ, तो आप ये आर्टिकल पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सीबीएसई ने जैसे ही रिजल्ट निकाला तो बहुत सारे न्यूज साइट्स ने उसे फीचर करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या था कि जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आया उस टाइम जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उन्होंने भी ट्विटर पे स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट किया। स्टूडेंट को कंग्रेचुलेट करने के बाद एक हमें फैक्ट उन्होंने बताया कि ओवरऑल 5% परसेंटेज में इंक्रीज आया है। पिछले कुछ सालों से सीबीएसई का जो रिजल्ट आता था उसकी एवरेज परसेंटेज 83.40% रहती थी, पर इस साल से 88.78%, मतलब इस साल 88.78% इंक्रीज आया, मीन्स 5% का बिल्कुल इंक्रीज है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब 12th क्लास में है तो ये समझ के चलिए कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है इस सारे टॉपिक पे, आप मुझे अपने व्यूज़ उसमें दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना रिजल्ट आया, क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड है। मैं आपके कमेंट्स का वेट ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसके बाद क्या प्रोसीजर रहा। उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स आप सब रिजल्ट चेक कर रहे थे या 12th क्लास के स्टूडेंट जब रिजल्ट चेक कर रहे थे, क्या हुआ, 3:30 पे साइट ही क्रैश हो गई। सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट थी वो साइट ही क्रैश हो गई। उसके बाद जो सीबीएसई ने स्टेप उठाया वो मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में दिखा देता हूं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि सीबीएसई की जैसी साइट क्रैक हुई तो जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसने सीबीएसई के रिजल्ट को अलग अलग जगह पब्लिश करने की कोशिश करी, पर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस के कारण, जैसे कि आपको बताइए मोर देन 14 लाख स्टूडेंट्स एक बारी में जब अपना रिजल्ट खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्लिच आने तो कंपलसरी है, या ग्लिच आने तो आम बात है, क्योंकि एकदम से साइट पे इतना लोड आ जाना जिस साइट पे आम तौर पर बहुत कम लोड आता है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस साइट वाले के लिए भी कि वो हैंडल कैसे करे, उस साइट के लिए इतना प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सीबीएसई ने क्या स्टेप लिया, सीबीएसई ने हर पर्सन की जो भी पर्सन था उसके डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में आपको बताया होगा, जहां पे हमारे मेन डॉक्यूमेंट जितने भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है वहां से स्टोर कर दिए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि ये सारे रिजल्ट और सारे डिजी लॉकर में रिजल्ट डाल दिए। उसके बाद जितने भी स्कूल थे सभी स्कूल को उन्होंने रिजल्ट सेंड कर दिया। तो ये सब चीजें हुई सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद। अब आपको आगे वीडियो में मैं बताता हूं कि क्या क्या सीबीएसई ने स्टेप लिए और कैसे कैसे सीबीएसई ने इंफॉर्मेशन बच्चों तक ये पहुंचाई। तो अभी के लिए इतना ही, मैं अब लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट पे।
जब साइट क्रैश हो गई थी तो फिर सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट किया कि जैसे कि आपको पता है टेक्निकल इश्यूज के कारण सीबीएसई अपना रिजल्ट ढंग से बच्चों को नहीं दे पा रही है, तो प्लीज़ या तो आप 2 आवर्स की वेट कर लीजिए, या हमने आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में आपका रिजल्ट भेज दिया है, और या हमने आपके डिजी लॉकर अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपना रिजल्ट डाल दिया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार टॉपर्स के लिए क्या रहा और कौन रहा इस साल सीबीएसई बोर्ड का टॉपर। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। देखो मैं आपके लिए कितना अच्छे से सारा कंटेंट लेके आया हूँ, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन को लाइक करके लेके आया हूँ। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स का। मुझे पता है हर बार की तरह आप इससे भी पूरा कर दोगे, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मेरे लाइक एम को पूरा करिए और अपना व्यूज़ कमेंट करके बताइए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपर्स का क्या सीन रहा इस बार। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैं आपको पिछली स्लाइड पर लेके चलता हूँ कि सीबीएसई 12th ने इस बार सीबीएसई 12th के टॉपर का ऐलान ही नहीं किया है। इसका सीबीएसई ने इस बार टॉपर इसलिए नहीं बताया है क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्योंकि COVID-19 के मामलों की वजह से इस बार रिजल्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। बोर्ड के कुछ पेपर हमें कैंसिल करने पड़े, बोर्ड के कुछ पेपर हमें रद्द करने पड़े, जिस वजह से सीबीएसई का कहना यह है कि अगर हम टॉपर्स के बारे में ऐसे हम उनकी लिस्ट बता देते हैं टॉपर्स ये बच्चा टॉपर आया, तो इससे थोड़ा सा डिस्ट्रेस या टेंशन वाला माहौल कुछ टॉपर्स के अंदर बन सकता है क्योंकि उन्हें को जो लास्ट पेपर था उनका, उस 5th पेपर जो हम कह सकते हैं जो उनका कुछ सब्जेक्ट्स का लास्ट पेपर जिनका रह रहा था, वो उनको उस पेपर देने का मौका ही नहीं मिला। तो इस हिसाब से सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि सीबीएसई ने ये कह दिया भाई अब हम टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। अब इसके बाद बात ये आती है कि कैसे असेसमेंट की सीबीएसई ने। असेसमेंट सीबीएसई के अकॉर्डिंग ऐसे हुई कि जो पेपर रह गया था, बाकी जो 3 या 4 पेपर हुए थे या बेस्ट 3, उन्होंने बेस्ट 3 पेपर्स लिए। जैसे कि अगर आपके 5 एग्जाम्स हैं तो उन्होंने उसमें से बेस्ट 3 एग्जाम्स आपके ले लिए और जो बेस्ट 3 की एवरेज आ रही थी उसको उन्होंने अगले जो दो जिन बच्चों के 2 पेपर रह रहे थे उनको 2 पेपर में यूज कर लिया, जिसका 1 पेपर रह रहा था उसको 1 पेपर में यूज करके ये निकाल दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई ने रिजल्ट कैसे लिया। फिर भी हमारे अकॉर्डिंग या जो न्यूज चैनल्स ने बताया, न्यूज में जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है बात ये है कि किस एक बच्ची है जिसका नाम है दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी जैन ने इस बार सीबीएसई में किया है टॉप। टॉप करने के लिए उसने 100% नंबर लिए हैं। यस, 100% के साथ टॉप हुआ है इस बार सीबीएसई में। हालांकि सीबीएसई ने ऑफिशियली इसको नोटिस जारी बिल्कुल नहीं किया है, फिर भी मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ कि दिव्यांशी जैन है उसने 100% मार्क्स के साथ टॉप किया है सीबीएसई के एग्जाम के अंदर। तो आपको एक बार मैं थोड़ी सा बता देता हूँ दिव्यांशी जैन के बारे में। इसके पास हिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा इंश्योरेंस जैसे विषयों के बारे में, मतलब ये इंश्योरेंस जैसे विषय इसके पास थे, ये सब सब्जेक्ट उसके पास थे। इसके बाद ये नवयुग रेडियंस पब्लिक स्कूल की छात्रा थी जिनके पिता राकेश जैन की गणेशगंज में एक दुकान है। पर हमें इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं, हम इसी बीच में मतलब है कि सीबीएसई ने 100 में से 100% लाए हैं, मतलब उसके 6 सब्जेक्ट्स में उसके टोटल 100% मार्क्स आए हैं, तो जिस वजह से उसने सीबीएसई टॉप किया है। सीबीएसई की तरफ से हालांकि इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज चैनल्स में ये बात सबसे ज़्यादा वायरल हुई है। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे की वीडियो पर कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कुछ टॉपर्स जो मतलब हमारे सीबीएसई के कुछ फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन रहा जब उनका सीबीएसई का एग्जाम का रिजल्ट आया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भाई ऐसा और जो लास्ट के 3 महीने हो तो 1 महीने की तरफ निकलते हैं, ये बस सोचना 3 महीने बचे स्टार्टिंग से पढ़ना। और भाई आपका रिजल्ट कैसा रहा आपके हिसाब से? मेरे जितना पढ़ा था उतना ही आया यार, ऐसे कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं आया मेरे को। ठीक 67। आप खुश हैं भाई? हां मैं खुश हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू। भगवान की दुआ नहीं भाई, मैं लास्ट टाइम तभी जिम गया था भाई, पता है ना तुझे, लास्ट टाइम तभी जिम गया था मैं, फिर भी देख ले। मैं तो छोड़ने आया था। इंग्लिश में 60 है, मैथ्स में 33 है, फिजिक्स में तेरे 53 है, 53 फिजिकल में 65, बस और क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरी बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो लाइक एम पूरा करके ज़रूर जाना, हमने एम रखा है सिर्फ 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ 100 लाइक्स करके जाना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो। आपके क्या व्यूज़ रहे सीबीएसई से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे अपने व्यूज़ कमेंट करके बता दो, और जो व्यूज़ मुझे अच्छे लगेंगे मैं अगली वीडियो में उसे ज़रूर शामिल करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।